to deal with some important MCQ टू डील विथ सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर इंग्लिश चैप्टर टू डेट इज अग वॉक टू फ्रीडम ने हम लोग आज हंड्रेड plus MCQs करने वाले हैं और इस पूरे chapter को हम लोग इजिली एमसीक्यू से रिविजन करेंगे और पूरे चैप्टर का तैयारी हम लोग कर लेंगे ताकि हम लोग के जो टर्म एग्जामिनेशन है उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिले ठीक है सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन

किसके बारे में बात हो रही है नैनसन मंडेला जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है नैनसन मंडेला तो यहाँ पे बात हो रही है नैनसन मंडेला की सो ही वाज सराउंडेड बाय तो वो किनसे सराउंडेड थे तो आपको पता इंटरनेशनल लीडर्स से फैमिली मेंबर से नेशनल हीरो से या ब्रिटिश सोल्जर्स से तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंटरनेशनल लीडर्स से आपको पता है कि नैनसन मंडेला का इस चैप्टर में नैनसन मंडेला ने खुद बता रखा है कि अलग अलग कंट्रीज से लीडर आए हुए थे और वो उन्हीं से घिरे हुए थे क्यों है ना चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द स्पेकुलर एयरो ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वाज डिस्प्ले ऑफ किसका था सो so, वो क्या था मिलिट्री प्रेसेशन का था मिलिट्री लॉयलिटी एंड डेमोक्रेसी या नन ऑफ सो हम लोग को पता है या कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये दोनों वो मिलिट्री प्रेसेशन और मिलिट्री लोयलिटी टू डेमोक्रेसी दोनों था और नैसल मंडेला ने इस चैप्टर में बता भी रखा है कि जो उन्हें पहले जो है उनको कैद कर रखा था जिन्होंने वो अभी उन्हें क्या कर रहे थे सैल्यूट कर रहे थे जो उन्हें रिवोल्ट में जो उनके रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे थे वही अभी नैसल मंडेला को क्या सल्यूट कर रहे हैं सैल्यूट कर रहे हैं जो कि क्या दिखा रहा है लॉयलिटी दिखा रहा है उनके लीडर्स के तरफ है ना तो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है वी थैंक ऑल द डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक प्रोसेशन विद द हेल्प ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर वो किसके लिए कॉमन विक्ट्री था तो वो सभी के लिए कॉमन विक्ट्री था जस्टिस भी था पीस था ह्यूमैन डिग्निटी सभी के लिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट रियन डिड मंडेला हैव टू ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम उनके पास क्या इक्लूजन थी क्या रियलाइजेशन थी नेल्सन मंडेला की अबाउट हज बॉयहुड फ्रीडम तो वो क्या थी क्या वो इल्यूजन थी ही वॉज बॉन्ड फ्री या फिर फ्रीडम वॉज मीड फॉर किड और ही वॉज नो रियलाइजेशन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज बॉन्ड फ्री वो क्या हुआ था बॉन्ड फ्री ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट इज वन हेयर रिफर्स टू वन वहां पे क्या रिफर कर रहा है तो वो मंडेला को रिफर कर रहे हैं टेंसन मंडेला थे तो उनके लिए वो वन रिफर कर रहा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द इनाग्रेशन डे इनाग्रेशन डे कब था तो आपको पता होना चाहिए क्या वो टेंथ मई को था टेंथ मार्च को था ट्वेंटी मई को या ट्वेंटी मार्च को तो आपको पता होना चाहिए कि इनग्रेशन डे जो था वो कब था टेंथ मई को टेंथ मई को था है ना टेंथ मई को था इनग्रेशन डे नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन uh, क्या क्या बोला है आपसे कि वेयर आर डीड से टू प्लेस तो आपको पता है ये कहाँ हुआ था वो दैट इज सेंड स्टोन एमपी थिएटर ये आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेंट स्टोन एमपी थिएटर में ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी है फिर बोला कि होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कूडेंट मंडेला किसको थैंक यू बोलना चाहते थे पर नहीं बोल पाए सो so, आप सभी को पता है कि वो लोग वो किसको थैंक यू बोलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलवाई थी साउथ अफ्रीका को बहुत सारे उनसे पहले लीडर्स थे वो उनको थैंक यू बोलना चाहते थे जो कि वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे ठीक है सो so, ऑप्शन नंबर सी जो कि पहले जिन्होंने स्ट्रगल किया बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको वो थैंक यू बोलना चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वेर इलेक्टेड कितने डिप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो वहां पे कितने हुए थे टू डिप्यूटी प्रेसिडेंट वहां पे क्या हुए थे इलेक्ट हुए थे ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन मंडेला के अकॉर्डिंग वेल्थ यानी कि जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ है एक नेशन की वो क्या है तो आपको पता है वो ना ही मिनरल्स है ना ही जेम्स ना ही डायमंड है वो उनके लोग होते हैं तो उनके क्या है पीपल है ने खुद बताया था कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के सबसे बड़े डायमंड हैं वो वहीं के सबसे बड़े वेल्थ हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है इन आर्टिकल हु हैव हैव द पीपल बीन कंपेयर टू आर्टिकल में

करना यही अपार्थेड पॉलिसी हुआ करती थी जो उसको खत्म किया गया कि तभी सारे इंटरनेशनल लीडर वहां आए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नरेटर वाज ओवर वेल विट जो है यानी कि खुद नेल्सन मंडेला वो किससे ओवरलिम थे तो आपको पता है सेंस ऑफ हिस्ट्री से किससे सेंस ऑफ हिस्ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेन वॉज द इनाग्रेशन डे तो अभी मैंने आपको बता रखा है कि टेंथ मई को इनाग्रेशन डे था ठीक है तो क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट चेंज ब्रॉड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका एंड ऑफ अपार्थेड ये भी मैंने आपको बता ही रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी पिक आउट द ऑप्शन लिस्ट करेक्ट फॉर द दैट इज द ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड है ना ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड करे तो ऐसा कौन सा वर्ड है तो यहां देखोगे पहला बोला इक्वालिटी लिबर्टी इंटेंसी नहीं लिबर्टी इंटेंस सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा यही नहीं हो सकता है इमोशनल सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी नहीं जरूरी नहीं बट इक्वालिटी लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला यही थी क्या दैट इज ह्यूमन डिग्निटी के लिए ठीक है इक्वालिटी लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पेक्चुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वेयर डिस्प्ले ऑफ वो किसको डिस्प्ले कर रहे थे दैट इज मिलिट्री प्रसेशन और मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी दोनों को है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन मैन हु टेक्स अनदर फ्रीडम वो क्या होता है इज उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉयजनर ऑफ हिटर आपको इसने बताया भी था कि मंडेला कि सिर्फ जिनको सप्रेस किया जाता है उनको प्रॉब्लम नहीं होते बट सप्रेसर के अंदर भी अच्छाइयां होती है और उनको भी प्रॉब्लम होती है ठीक है तो उनको हमें ढूंढना चाहिए वट वाजीला मंडेला ने कर 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 लिया 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 था? था, था। तो आपको पता है कि उन्होंने अचीव कर लिया था ना? उन्होंने ना ने क्या बोला था कि क्या, क्या नेचुरली आती है तो आपको पता है कि लव क्योंकि ने खुद बोला था कि अगर किसी भी आदमी को क्या होना कि अगर हेट वो करता है तो उसे लव भी सिखाया जा सकता है क्योंकि कोई भी जो है पैदा होते ही हेड को नहीं लेके आया ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है एमपी थिएटर का मीनिंग यहाँ पे क्या है तो एमपी थिएटर क्या थी एक क्या थी एक बिल्डिंग जिस पे रूफ नहीं थी है ना तो डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला तो मंडेला के अकॉर्डिंग जो कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है सो आपको पता है कि उनके लोग द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज ऑपरेशन एंड ब्यूरेटी क्या थी दैट इज आपको पता होना चाहिए ये कि वो क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करियर विजनम एंड चीनिटी ये खुद मंडेला ने ये बातें बोली थी नेक्स्ट क्वेश्चन आ, ये मैंने आपको बता दिया है यहां पे वन का मतलब जो है डी ने मंडेला से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है वाई वाज द नेशनल एंथम सॉन्ग टू ठीक है दो नेशनल एंथम्स वहां पे क्यों गाए गए थे ताकि दोनों क्योंकि वहां पे एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था ना तो आपको पता होना चाहिए कि टू यूनिटी और टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों को दिखाने के लिए उन्होंने दो एंथम्स उन्होंने गाया था नेशनल एंथम्स तो फिर बोला है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन तो आपको पता है ये बहुत ईजी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इंडियन का तो ज्वाइन करेंगे नहीं है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो क्रूटिलेट का मतलब क्या है यहां पे ठीक है तो क्रूटिलेट का मतलब क्या है यहां पे दैट इज सी रिड्यूज रिड्यूस्ड का यहां का मतलब क्रूटिलेट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज द नेशन मंडेला अचीव नेशन मंडेला ने क्या अचीव कर लिया था तो ए पॉलिटिकल इंपेक्शेशन पॉलिटिकल इंपेक्शेशन मंडेला ने अचीव कर लिया था क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट की पिकऑफ बोल रहा है कि दैट इज पिक ऑप्शन फ्रॉम द शो केसेज यूजेज ऑफ होस्ट इन एक्सट्रैक्ट सो वो क्या है तो आपको पता होना चाहिए सी वॉज द मोस्ट एबल टू होस्ट इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट क्या डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट करता है तो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर है ना तो क्या क्रिएट करता है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ पीपल ट्रांसपोर्ट जो डिजायर थी फ्रीडम ऑफ पीपल की वो ट्रांसपोर्ट किस चीज में हो गई थी अफ्राइटेड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन है ना नैंसर मंडेला ने खुद बातें ये सारी चीजें अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रखी है जो कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट कम मोर नेचुरली आपको पता है कि वो क्या था लव ये मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन बोल रहा है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म ऑन द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इम्यून सोसाइटी

इंटू बोल्ड वन ये राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडिला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका क्या ड्रीम थी नेल्सन मंडिला की फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका तो आपको पता होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम ऑल सेल फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशन फ्री फ्रॉम पुवर्टी ऑफ तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्री हो जाए पुअर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन से ये उनका ड्रीम था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वॉट हैज द देंसल मंडिला अचीव नेसल मंडिला ने क्या अचीव कर लिया था तो न पोलिटिकल इंपेक्शेशन अचीव कर लिया था नैसल मंडिला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज इट इजी टू लर्न लव क्योंकि जिसके पास हिटर है उसको लव सिखाना बहुत इजी है और वो कैसे आता है नेचुरली आता है ए नंबर क्या क्योंकि वो लव जो है नेचुरली आता है मंडेला ने खुद बता रखा है हमें अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द आर्टिकल हु हैव द पीपल बीन कंपेयर टू पीपल को किससे कंपेयर किया गया ने मंडेला ने पीपल को आर्टिकल में किससे कंपेयर किया है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इट्स दैट इज इट्स आंसर विल बी मिनरल एंड जेम्स से है ना वो अपने पीपल को किससे कंपेयर किया हुआ है मिनरल एंड जेम्स से उन्होंने कंपेयर किया हुआ है ऑप्शन नंबर बी उन्होंने बोला था कि मेरे uh, जो कंट्री के जो लोग हैं वही इसकी असली वेल्थ है ठीक है वाट क्रिएटेड अ लास्टिंग इन वैसल कंट्री जो क्या किया था द पॉलिसी ऑफ अपार है ना पॉलिसी ऑफ अपार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए मैंने चेंज कर दी उनकी लाइफ को तो ऑप्शन नंबर ए बोला टर्न फ्रॉम फ्री टैंड बोल्ड टर्न फ्रॉम लॉ एवेडिंग अटर्निटी टू क्रिमिनल टर्न फ्रॉम लाइफ लविंग मैन टू लिव अ मॉन्ग सो ऐसा ही सब कुछ था तो ये सारी चीजें जो इंक्लूड करेगा वही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैं फ्रीडम इज वो क्या होता hated, है ऑफ ऑफ है ना जो कि दूसरों की फ्रीडम को छीनता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट बिगिन द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम ठीक है वो क्या है तो आपको पता है कि दैट इज अ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए दैट इज द फैक्ट दैट इज एड ऑलरेडी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम

सो so, इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नैसल मंडेला वाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन सो उसके पीपल डी आंसर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुम डिड मंडेला वॉन्टेड टू थैंक बट कुडेन तो आपको पता है ये मैंने बता भी रखा है कि अफ्रीकन पेट्रोट्स को जो कि अभी नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कलर्स डज द साउथ अफ्रीकन फ्लैग तो उसकी कलर कैसी थी ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इंपैक्टेशन ठीक है वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इंपैक्टेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्टेशन तो वो क्या तो है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन जो कि उन पर लगी हुई थी अपार पॉलिसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट हैविंग सम टू टेक प्रोसेशन पीपल ऑफ आवर कंट्री वट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर डैश सो दैट विल बी योर ऑल ओवर दैट इज जस्टिस पीस ह्यूमन डिग्निटी ये सारी चीजें थी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड अदर कंट्रीज ब्रोकअप वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोकअप डिप्लोमैटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका क्योंकि उसकी जो अपारथेट पॉलिसी थी ऑप्शन नंबर डी इसके कारण दैट इज इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेस्ट गवर्नर दैट इज़ नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर बी will इज योर राइट आंसर सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप कमेंट करो आपको किस टॉपिक पे और भी वीडियोज़ पसंद है उसको हम लोग जल्दी आएंगे. ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन, टेक केयर एंड गुड बाय गॉड ब्लेस यू